ख़ुद रखी ज़िंदगी से ख़ुदा रखी ज़िंदगी तक का सफ़र कैसे तय होता है चार अहदीस ऐसी हैं जिनके बारे में इमाम अबू दाऊद कहते हैं जिन्होंने पांच लाख का अहादीस लिखी और चार हज़ार आठ सौ अहदीस को मनतखब किया और सुनन अबी दाऊद में दर्ज किया उन्होंने लिखा है कि चार अदीस को जो कोई पकड़ ले उसके दीनी फहम के लिए काफ़ी हो जाएंगी मैं समझती हूँ ये चार अहदीस ऐसी हैं जो इंसान को खुद रुखी जिंदगी से निकाल देती हैं जिनमें से पहली हदीस है इन अमल आमल उबिन यकीनन अमल का दारोमदार नियतों पर है इसका मतलब यह है कि पहला काम नियत का खालिस करना है इंसान कुछ काम आदतन करता है कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सोचे समझे बग़ैर ही कर लेता है कुछ काम ज़रूरतन करता है कुछ काम मजबूरन करता है अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इंसान जो काम भी करे खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करे Allah की खुशी के लिए करें। इसके सिवा कोई चीज नहीं है जो किसी अमल की बुनियाद बन सके खुदा रुखी जिंदगी के लिए जरूरत इस अमर की है कि इंसान अपने हर अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर ले कुरान हकीम में भी इज्जत ने यही फरमाया वाहू मी रू अल्ला मुखलसीन अलहद्दीन उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करके उसकी इबादत करें इखलास बड़ी चीज है इखलास आप यूं कह सकते हैं सभी कुछ है इखलास दिल की इबादत है खुदरुखी जिंदगी में इंसान खोटा हो जाता है जब इंसान अल्लाह ताला के लिए अमल नहीं करता तो कभी अपने लिए अमल करता है कभी दूसरों के लिए करता है मिसाल के तौर पर आप देखिए कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी पर अल्लाह का हक़ तस्लीम नहीं करता तो अपनी ज़िंदगी का ख़ुद मालिक हो जाता है आज के दौर में सबसे बड़ा इशू जो इंसानियत फेस कर रही है वो क्या है मैं हूं और मैं होता रहता हूं मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी ये सब खोट है ये सब फितरत के मुताबिक नहीं है और अब देखें कि इंसान अगर इखलास सीख लेता है तो फिर उस, उसकी ज़िंदगी में कुछ बेफायदा चीज़ें हैं जिसको उसने छोड़ना है दूसरी हदीस है मिन इस्लामिल मरी तरकहू बा यानी आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो बेफायदा बात बोलना छोड़ दे आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो उसको छोड़ दे जिससे उसका कोई मतलब नहीं है यानी लव, लायानी चीजों को तर्क कर दे अब देखिए एक है लव गुफ्तु लायानी इंसान खुद भी हार जाता है और इर्द गिर्द वाले भी हार जाते हैं गीबत, चुगली ताना बदगोई बदजुबानी गपशप गौसेप इसी में आ जाती है ना लायानी बातों को जिंदगी से निकालिए खुदा रखी जिंदगी में लायानी का कोई दखल नहीं है फजूल चीजों का कोई दखल नहीं है तीसरी बात यह है तीसरी हदीस है कि कोई मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं होता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अब आप देखिए कि इंसान फजूल चीजों को जिंदगी से निकाल भी दे तब भी उसके लिए खतरा तो है आगे जाएगा तो इंसान और इंसान के दरमियान फ़र्क आएगा इंसान कंपैरिजन करता है अपनी जात को फिर यहाँ से ऊंचा कर लेता है कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है तो सब मुसलमान एक बराबर हो गए ना यही मुसावात है यही चीज़ मुसावात तक ले जाती है इंसान कितने लोगों से हसद करने से बच जाता है और जब सब लोग एक लेवल पर आ गए तो आप देखिए कि ना हसद है ना बाहमी तफ़ाखर है ना एक दूसरे पर अपने आप को बड़ा साबित करना है तकासुर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अपनी बर्बादी का सबब भी बनती हैं सोसाइटी की बर्बादी का भी सब सबब बनती हैं जैसा कि रबुल्ज़त ने फरमाया, अल्लाह फरमायाल्हा मुत तकास हता मकाबिर, कसरत की हवस ने तुम्हें गफलत में मुबिला रखा है यहां तक कि तुम लबे गोर पहुंच जाते हो तो ये जो तकासुर है ना कसरत की हवस ये क्यों है क्योंकि इंसान अपने आप को दूसरों से बढ़तर साबित करना चाहता है ज्यादा फैसिलिटीज क्यों ताकि माशरे में ज़्यादा बड़ा मकाम मिले तो तकास से गफलत आती है और गफलत में इंसान अपने रब को भूल जाता है तो खुदा रुखी जिंदगी की बजाय खुद रुखी जिंदगी इख्तियार कर लेता है और चौथी हदीस है अल्हलाबैन हरम बलाल भी वाजह है और हराम भी वाजह है और इन दोनों के दरमियान शुभ की चीजें जो शख्स शुभात से बचा उसने अपने दीन को बचा लिया सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह बात यह है कि शुभे में पढ़ने की वजह से डाउट अगर इंसान के लिए फिक्री तौर पर तबाही का सबब बनता है ना तो ज़िंदगी में भी तबाही का बायस बनता है शुब की चीज़ों से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है इसी तरह से इमाम अबू दाऊद के कुछ कीमती अकवाल भी हैं एक कॉल ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूं। कहते पोशीदा शहावत यह है कि इंसान सरदारी को पसंद करने लगे यानी वैसे तो सरदारी हरेक को अच्छी लगती है लेकिन सरदारी को जब इंसान पसंद करता है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर यानी शहावत की मोहब्बत है और इतबाउल हवा दिल के अमराज में से कि इंसान ख़्वाहिशा के पीछे भागे इसी तरह वो कहते हैं बेहतरीन बात वो है जो कान में बिला इजाज़त दाखिल हो जाए और इसी तरह यानी इजी हो जाता है ना कबूल करना और जिस शख़्स ने कमतर लिबास और कमतर खाने पर कनात की उसने अपने जिस्म को आराम पहुंचाया यानी जब अच्छे खानों और अच्छे लिबास के पीछे भागोगे तो ज़ाहिर है उसमें आपकी कुव्वतें भी खर्च होंगी और आप हल्कान भी होंगे पूरी हयात लग जाती है इंसान अच्छे खानों से बाहर ही नहीं आ पाता तो ये खुद रखी ज़िंदगी है ना इंसान जब खुदा रुखी ज़िंदगी इख्तियार करता है ना तो उसकी ज़िंदगी में अमन आ जाता है क्योंकि उसकी टॉप प्रायोरिटी पे खाना और लिबास नहीं होते अब आप ये देखिए कि जब इन सारी चीज़ों से तवज्जो हट गई तो इंसान को क्या मिलेगा गहरा ईमान और जब इंसान के अंदर ईमान गहरा हो जाता है तो वो सारी अहमियत हकीकत को देने लगता है ना बेफायदा चीज़ों से दिलचस्पी रहती है अपने और गैर का फ़र्क़ ख़त्म हो जाता है और शुबे की चीज़ों से